हेलो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए, वन प्लस कॉस एक्स, इसमें तो कोई ऐसा फार्मूला होता ही नहीं है, तो इसमें हमको कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि वन माइनस कॉस एक्स ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन, वन माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई, आइए वन प्लस कॉस एक्स है, वन माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस कॉस एक्स और वन माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्क्वायर लगाते नहीं, और ये होता है साइन स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। तो इंटीग्रेशन अब अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा वन अपान साइन स्क्वायर एक्स, वन अपान साइन स्क्वायर एक्स, वन अपान साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स और ये माइनस, ये वाला माइनस, अब इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉस कॉस बटे में साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स को हम दो बार लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स, तो ये हो जाएगा कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है माइनस कॉटेक्स होता है, तो इसको कर दीजिए माइनस कॉटेक्स और माइनस। अब देखिए कॉस बटे में साइन हो जाएगा कॉटेक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट एक्स और यहाँ से वन अपान साइन बचेगा, वन अपान साइन होता है कॉसेक के बराबर, कॉसेक एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, तो माइनस कॉट एक्स माइनस। अब कॉट एक्स कॉसेक एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक एक्स के, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस और हो जाएगा कॉसेक एक्स, एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे सी।